इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर थाना सेक्टर 113 नोएडा पुलिस द्वारा सेक्टर 78 चौराहे के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी आती हुई एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पीछा करने पर बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलाई गई गोली पैर में लगने के कारण बदमाश सलीम पुत्र खलील निवासी ग्राम कुम्हेड़ा थाना मुराद नगर को सेक्टर 117 के जंगल से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। थाना 113 के द्वारा आज चेकिंग की जा रही थी, 78 चौराहे के पास एक संदिग्ध बाइक सवार उनको दिखाई दिया, उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जिसमें उसके द्वारा जो है वो बाइक को भगा दिया गया, पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया, उसके द्वारा फायरिंग की गई, जिसपे पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसे गोली लगी है, उसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका नाम सलीम सनफ खलील, ये मुरादनगर का रहने वाला है और इसके कब्जे से एक चेन बरामद हुई है, इसके ऊपर काफी मुकदमे हैं और ये चेन स्नैचिंग का जो है वो काम करता था। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल इससे बरामद हुई है वो भी चोरी की बताई जा रही है और इसके कब्जे से जो कंट्रीमेट पिस्टल मिला है उसको भी कब्जे में लेकर के और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।